संसद में, लेकिन आप किस तरफ खड़े हैं? ये क्या है ये सीएबी? कानून आपने विरोध किया जिसमें पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी जो वहां धार्मिक वजहों से प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता का रास्ता खुलेगा, इसमें कौन से देश? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। वहां से किस किस को कह रहे हैं आएंगे लोग? धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हैं। कौन कौन से धर्म के? वहां पर तो देश के मेजोरिटी धर्म तो इस्लाम है, तो बाकी जो धर्म है हिंदू है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, उनको बुला रहे हैं? जी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। इनमें से अगर आधे भी हमारे देश में आ गए, इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहां बसाओगे? इनको घर कहां से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे? इनको बंबई में बसाओगे? इनको गुजरात में बसाओगे? इनको आसाम में बसाओगे? इनको त्रिपुरा में बसाओगे? कहां बसाओगे? इतने थोड़ी आज हमारे देश में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, चारों तरफ बेरोजगारी का माहौल है। हमारा पहला मकसद तो अपने बच्चों को नौकरी देना होना चाहिए। हम उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को और अफगानिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को नौकरी देने की चिंता कर रहे हैं। अपने बच्चों को तो नौकरी दे लें पहले। दूसरा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, वहां से जो लोग आएंगे उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन बनाएगा? उनको कैसे होगा? उसी के तो रास्ता खुलेगा इस बिल से। और इतने सारे नहीं आएंगे जितने आप कह रहे हैं। भारत सरकार देगी उनको डॉक्यूमेंट्स, ऐसा आप बता रहे हैं। तो जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आएंगे उनके लिए भारत सरकार डॉक्यूमेंट बनाएगी, और हमारे देश में एनआरसी होगा। एनआरसी में जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसका क्या होगा? वो एनआरसी से बाहर होंगे, वो देश से बाहर होंगे। तो जो पाकिस्तान से आएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार बनाएगी, जो और अपने देश के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको देश से बाहर निकालेंगे। यही है, मैं समझना चाह रहा हूं। मैं भी अभी तक समझा नहीं हूं ये कानून है क्या चीज, इसलिए आप जब विपक्ष गया। मैं ये कानून क्यों लाया गया, इसकी क्या जरूरत थी, ये मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे टाइम में जब पूरा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, जब पूरे देश के अंदर हाहाकार मची हुई है, आज प्याज मार्केट में 200 रुपए किलो बिक रहा है, आलू के दाम बढ़ने चालू हो गए, महंगाई की वजह से बुरा हाल है, पूरी इकोनॉमी का भट्ठा बैठा हुआ है, सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एक यही मुद्दा बचा था क्या? इसकी क्या जरूरत क्या थी? इसकी पूरे देश में आग लगाने की क्या जरूरत थी? हमारे बच्चों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, हॉस्टल्स के अंदर घुस घुस के लड़कियों को मारा जा रहा है, सारे देश के अंदर 33 यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे जो है सड़कों के ऊपर हैं। बच्चों का यही काम रह गया था? बच्चों को पढ़ाई कराओ यार, बच्चे देश का भविष्य है। मेरा अपना दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते जो भी आज दिल्ली की स्थिति बनी हुई है और देश का नागरिक होने के नाते जो देश के अंदर स्थिति बनी हुई है उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं। और इस कानून की मैं कोई भी लॉजिक नहीं समझ पा रहा कि ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए कानून किया जा रहा है। अभी तक तो यही निकल के आ रहा है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया, और मुझे पूरे देश के अंदर ये कह रहे डॉक्यूमेंट्स। कल मैंने एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह जी का, एक चैनल पे बोल रहे थे, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उसको देश से निकाल दिया जाएगा। किशोर जी, आपके पास हैं डॉक्यूमेंट्स? आप दिल्ली कब आए थे? मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ है। मैं तो अच्छा यहीं पैदा हुआ। आपके कई रिपोर्टर हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। आपके चैनल से बहुत सारे लोग बाहर होने वाले हैं। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है। 70% लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गरीबों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अमीर लोग तो पैसे देके बनवा लेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। जब नोटबंदी हुई थी तब भी ये कहा जा रहा था
कि अमीरों को नुकसान हुआ, अमीरों ने तो सबने कमीशन दे दे के अपनी नोटबंदी कर ली, वो कर पैसे ले लिए थे, पैसा तो गरीब था। अभी भी 70% गरीबों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या करोगे इसको? क्यों? मेरा अपना सुझाव है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को सुझाव है कि बहुत गंदा कानून है, पता नहीं क्यों लाए थे, सारा देश में आग लगी हुई है, इस कानून को वापस ले लें और सारे मुख्यमंत्रियों की सारी पार्टियों की मीटिंग बुला के देश में नौकरी कैसे देनी है, महंगाई कैसे दूर करनी है, आर्थिक मंदी कैसे दूर करनी है, फैक्ट्रियां कैसे दोबारा चालू करानी है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।